नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे और डालते हैं खबरों पर नज़र। खबर आ रही है कि पूर्व विधायक के जन्मदिन पर हरियाली का संदेश दिया गया। गंजवासोदा क्षेत्र के पूर्व विधायक निशंक जैन के जन्मदिन पर जय स्तंभ चौराहे और नवीन बस स्टैंड क्षेत्र में पौधारोपण कर आम लोगों को हरियाली का संदेश दिया गया और लोगों से अपील की गई है कि कम से कम एक पौधा अपने घर के आंगन में जरूर लगाएं और उसके बड़े होने तक उसकी सुरक्षा करें, तभी पर्यावरण और हरियाली बच सकती है। वहीं एक तरफ वन विभाग की अनदेखी के चलते घटेरा के पास सागौन की लकड़ी काट रहे अज्ञात लोग, जिससे वन विभाग के अधिकारी बेखबर हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिया खबर लाइव के लिए एल एन चौबे के साथ सचिन शर्मा की एक रिपोर्ट। कार्यक्रमों को छोड़कर हरियाली की ओर ध्यान दिया है कि जो लगातार गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो किसी तरह से काबू में आ सके। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम नगर में ये संदेश देना चाहते हैं कि हरियाली और खुशहाली अगर हम चाहते हैं तो हमने आज 1001 पेड़ों का यहाँ से निःशुल्क वितरण किया और 101 पेड़ आज नए बस स्टैंड पे और जगह जगह हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।